नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट हसल। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाने वाला था, लेकिन यह मुकाबला रद्द कर दिया गया है। तो ऐसे में आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार दूसरा T20 मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला 25 जुलाई को खेला गया और इस मुकाबले में श्रीलंका टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है और श्रीलंका का यह फैसला उस पर भारी पड़ा है। श्रीलंका को पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। आज भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मुकाबला रात्रि 8 बजे से कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाने वाला था, लेकिन मैच शुरू होने के तकरीबन 5 घंटे पहले खबर आई कि भारत के स्टार खिलाड़ी कुणाल पांड्या कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके कारण आज का मैच स्थगित कर दिया गया है और दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों को आइसोलेशन में कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह मुकाबला बुधवार यानी कि कल अपने तय समय से खेला जाएगा, लेकिन अगर टीम में कोई और खिलाड़ी कोरोना वायरस संक्रमित पाया गया तो इस सीरीज को स्थगित या फिर रद्द भी किया जा सकता है। वैसे खबरों की माने तो केवल कुणाल पांड्या ही कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। तो दोस्तों, आपके हिसाब से अगर कुणाल पांड्या के अलावा कोई खिलाड़ी कोरोना संक्रमित नहीं होता है तो यह सीरीज फिर से खेली जानी चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।